नमस्कार दोस्तों, SSM शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि SSM शारदा एजुकेशन 14 अप्रैल 2021 से IAS PCS के न्यू बैच शुरू करने जा रहा है। जो अभ्यर्थी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, वे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर एडमिशन करा सकते हैं। हमारा पता है 24 EC रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखंड। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत में कच्चे तेल के बढ़ते दाम और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों आया। केंद्र ने भारत की सभी तेल रिफाइनरों को सऊदी के साथ कच्चे तेल की खरीद से जुड़े अनुबंधों की समीक्षा करने को कहा है, साथ ही बेहतर शर्तों पर सौदा करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे तेल के दामों से परेशान भारत ने सऊदी अरब से तेल उत्पादन कटौती मामले में आग्रह किया, लेकिन सऊदी अरब ने इसे नहीं माना। अब कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। पहले नंबर पर अमेरिका व दूसरे नंबर पर चीन है। भारत 85% पेट्रोलियम आयात करता है। भारतीय कंपनियां 2/3 तेल फिक्स्ड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदती है, यानी खरीदार को कॉन्ट्रैक्ट के तहत माल खरीदना अनिवार्य है, जबकि आपूर्तिकर्ता कीमतें नियंत्रित करने के नाम पर उत्पादन कटौती पर आपूर्ति घटा सकता है। भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों की अगर बात करें तो भारत के लिए इराक सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इराक से 8,67,500 बैरक प्रतिदिन की खरीद होती है। 2021 फरवरी में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिका से रिकॉर्ड 5,45,300 बैरक प्रतिदिन क्रूड खरीदता है। वहीं दूसरे नंबर पर चल रहा सऊदी अरब चौथे नंबर पर खिसक चुका है। सऊदी से तेल आयात 42% गिरकर 4,45,200 बैरक प्रतिदिन आ रहा है। नाइजीरिया ने 5वें से 3रे नंबर पर छलांग लगाई है, जबकि UAE 3रे से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। तेल के दाम कैसे तय होते हैं और टैक्स कैसे निर्धारित किया जाता है, आइए जानते हैं। ईंधन की कीमतें हर राज्य में अलग अलग हैं। वह राज्य के वैट दर या स्थानीय करों पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार के टैक्स भी शामिल होते हैं। दूसरी ओर क्रूड ऑयल की कीमतों और फॉरेस्ट रेट का असर भी इन पर होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 16 फरवरी 2021 को जारी किए गए पेट्रोल की कीमतों के ब्रेकअप से पता चलता है कि पेट्रोल की बेस कीमत 32.10 रुपये प्रति लीटर बैठती है। इसमें पेट्रोल की बेस कीमत 31.82 रुपये के साथ डीलरों पर लगने वाला 0.28 रुपये प्रति लीटर का ढुलाई भाड़ा शामिल है। अब इस पर 32.90 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद 3.68 रुपये डीलर का कमीशन बैठता है। अब इस पर वैट लगता है, जो कि 20.61 रुपये प्रति लीटर बैठता है। इन सबको जोड़कर पेट्रोल की रिटेल कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर बैठती है। भारत के तेल भंडारों की अगर बात करें तो भारत सरकार के एक विभाग इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की जिम्मेदारी तेल भंडार को बढ़ाना है। इस विभाग ने अब तक 3 जगहों पर 5.33 मिलियन मैट्रिक टन के करीब भंडार खड़ा किया है। यह रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के अंतर्गत जमा किया गया है। यह रिजर्व भंडार भारत की रोजाना खपत के हिसाब से लगभग 10 दिन तक के लिए काफी होगा। यह भंडार विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में है। मौजूदा समय में निजी कंपनियों के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व भंडार की मात्रा देश की जरूरत के हिसाब से 64.5 दिनों तक चलेगी। यानी अगर किसी कारण भारत तेल का आयात ना कर सके तो इसके लिए पूरे भंडार को 74 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक भंडार को और भी अधिक बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में उड़ीसा के चंडीखोल में 4 मिलियन मैट्रिक टन और कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन का रणनीतिक भंडार तैयार किया जा रहा है, जिसे 12 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब जरा बढ़ते तेल के दामों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है इसको भी जानते हैं। तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी तब हो रही है जब देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। आपको बता दें कि सरकार की अभी जो आय है वह एक्साइज ड्यूटी पर निर्भर है। केंद्र सरकार की निर्भरता इसके लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर है, क्योंकि 50% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल से आती है। वैसे ही राज्य सरकार की जो आय है वह बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों के पास टैक्स के 3 बड़े स्रोत होते हैं, जिनमें शराब, जमीन की खरीद बिक्री से मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पेट्रोल डीजल शामिल हैं। ऐसी स्थिति में कोई सरकार टैक्स कम कर पाएगी इसकी संभावना नहीं लगती। वहीं डीजल की कीमतों का असर अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।